साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम फवाद हसन फवाद की मुश्किलें कम ना हो सकी। फॉरन ऑफिस और आईबी के लिए 33 बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज सिक्योरिटी गाड़ियां खरीदने का केस। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम को जेल में जाकर फवाद हसन फवाद से तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजोआ और नैब तफ्तीशी अब्दुल माजिद ने जज नजमुल हसन को दरखास्त दी, जिसमे कहा गया की 2015-16 में फॉरन ऑफिस और आईबी के लिए 33 जायद बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज सिक्योरिटी गाड़ियाँ गैर जरूरी और महंगे दामों खरीदी गयी, जिससे कौमी खजाने को 983 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फवाद हसन फवाद ने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम गाड़ियाँ इंतहाई महंगे दामों खरीदने की इजाजत दी। मामला नैब रावलपिंडी में जेरे अल्तवा है। केस में फवाद हसन फवाद का नाम भी सामने आया। फवाद हसन फवाद आशियाना स्कैंडल और नाजायज असासाजात केस में जेल में है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सकलियान जावेद, लाहौर न्यूज।